उत्तराखंड में सबका साथ सबका विकास और सरकार जनता के द्वार जैसे नारों को उठाकर अपने लोकप्रियता के दावे जरूर किए जाते हैं। हर वर्ग के लोगों को उत्थान के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं की बात की जाती है, लेकिन रुद्रप्रयाग जिले के एक परिवार की जो स्थिति हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसको देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई। इस परिवार में 3 विकलांग रहते हैं, लेकिन सरकारों और उनके कारिंदों की नजर आज तक इस परिवार पर नहीं पड़ी। जर्जर पुस्तैनी झोपड़ी में रह रहे इस परिवार के पास न ही बिजली है, न गैस और न ही शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा। ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब वर्ग को किस तरह से मिल रहा होगा। रुद्रप्रयाग के अगस्तमुनि विकासखंड के गहड़खाल गांव में रघुवीर सिंह के परिवार में 3 विकलांग नियति के मारे हैं। साथ ही सरकारों की विकास परक योजनाएं भी इनके द्वार तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिस कारण इनके हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्थिति यह है कि 3 विकलांग की देखभाल और उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे में सभी विकलांग घर में ही कैद होकर रह गए हैं। इनकी समस्या के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन ने भी कोई प्रयास नहीं किए। पीड़ित रघुवीर सिंह अपनी परेशानी सरकारी मुलाजिमों और जनप्रतिनिधियों के पास सुनाते सुनाते थक हार चुके हैं, लेकिन उनके सुनने वाला अभी तक कोई नहीं है। न मेरे पास बिजली कनेक्शन है, न मेरे पास गैस कनेक्शन है। मुझे चूल्हे में रोटी पकाना पड़ता है। मेरे 3 विकलांग हैं। मेरी 95 साल की बुढ़िया माँ है, 27 साल की मेरी विकलांग लड़की है। मैं भी विकलांग खुद हूँ। कोई सुविधा नहीं है मेरी, न लेटरिन बाथरूम है मेरे पास। मैं जा ही नहीं सकता इधर उधर कहीं। मेरे आंख में पूरा पानी टपकता रहता है। मैं कहीं भी कोई भारी वजन नहीं उठा सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैं लेटरिन बाथरूम भी लट पकड़ के जाता हूँ। इनको भी ये नाले की तरफ ले जाता हूँ, पीठ में उठा के कि माँ का हाथ पकड़ के ले जाता हूँ। हाँ, साल भर में एक बार 1.5 साल के मैंने ये पानी पीती है। ये पानी नहीं पीती, बिना पानी की दवाई खाती है। दवाई कहाँ से चलते हैं जी? दवाई में ऐसे बुखार, कभी बुखार की दवाई मेडिकल स्टोर से लाता हूँ, कभी कुछ डॉक्टर से लाता हूँ। मकान ये ऐसे कंडा है, मकान पूरा पानी अंदर आ रहा है। मैंने गैस कनेक्शन के लिए गुहार लगाई है, फॉर्म भर के दिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मकान टूट रहा है, गौशाला भी टूट रहा है। गौशाला भी एकदम एक लकड़ी पे टिका हुआ है। गौशाला के लिए भी कई अप्लाई किया मैंने, कोई सुनवाई नहीं उसमें भी। दरअसल रघुवीर सिंह के परिवार में 3 विकलांग हैं। 95 साल की माँ को विधवा पेंशन नहीं मिलती, तो 27 वर्ष की विकलांग लड़की बिस्तर पर लेटी रहती है। पीठ पर उठाकर उसको बाहर भीतर ले जाना पड़ता है। लड़की को भी विकलांग पेंशन नहीं मिलती। यहाँ तक कि विकलांग बेटी का आधार कार्ड तक अब जाकर बना है, जबकि रघुवीर सिंह भी स्वयं विकलांग हैं और दोनों आंखों से देख नहीं सकते, जिससे पत्नी भी परेशान है। सरकार की ओर से गरीबों के लिए उज्ज्वला के तहत गैस का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन इनके परिवार को कोई गैस की सुविधा नहीं दी गई, जबकि बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। इसके साथ ही शौचालय की भी कोई सुविधा नहीं दी गई है। गरीब वर्ग के उत्थान को लेकर सरकार चाहे बड़े बड़े ढोल क्यों न पीट ले, लेकिन जमीनी हकीकत यही है। मैंने जो है मैंने कि इनके मदर के उससे भी वो किया था, उसमें जो है मैंने कि खाता खोलने के लिए बोला था, उसमें आज से 5 साल पहले खाता खोल के भी जो है सरकार ने कुछ वो नहीं किया। लेटरिन की इतनी बड़ी समस्या है, एक तो बुढ़िया है, फिर ये इनका जो है मैंने कि आँख पे भी तकलीफ है, आँख ये देखते हैं नहीं। विकलांग है लड़की, वो भी जो है 27-28 साल की है। गैस कनेक्शन नहीं है, मैंने कुछ भी चीज की सुविधा नहीं है इनके लिए। वहीं जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने कहा कि मीडिया के माध्यम से मामले को उनके संज्ञान में लाया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गरीब परिवार को गैस और बिजली का कनेक्शन जल्द ही दिया जाएगा, साथ ही मनरेगा योजना के तहत शौचालय और गौशाला का निर्माण कार्य भी करवाया जाएगा। हम लोग ने जनपद में ये पूरा प्रयास किया है कि जो भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं या फिर जो हमारे सौभाग्य योजना के लाभार्थी हैं, तो उनको गैस कनेक्शन भी मिले और उनको बिजली का कनेक्शन भी दिया जाए। लेकिन आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे, एक तो उनके वहाँ बिजली का कनेक्शन हम लोग तत्काल करवा लें, गैस कनेक्शन उनको हम तत्काल उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिला दें। इसके अतिरिक्त जो विकलांग अगर उनके दिव्यांग हैं उनके घर में, तो हम दिव्यांग पेंशन के लिए भी तत्काल उसमें कार्यवाही करेंगे और दिव्यांग पेंशन भी उनकी तत्काल ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर घर उनका क्षतिग्रस्त है या पुराना है, कच्चा आवास है, उसको भी हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में टेकअप कर सकते हैं। तो अधिकारियों को भेज करके मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको सभी योजनाओं का लाभ समय से दिला पाएंगे। सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, दिव्यांगों के कल्याण के लिए न जाने कितनी योजनाएं संचालित की जाती रही हैं, लेकिन सरकार की योजनाएं कागजों से निकलकर रघुवीर सिंह के घर तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, ये सरकारों को सोचना चाहिए। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।